बजट में लॉन्च हुई ये इलेक्ट्रिक कार मात्र 36 मिनट के चार्ज पर 210 किलोमीटर चलेगी। विनफास्ट VF3 इलेक्ट्रिक कार। आज हम आपको एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार के बारे में बताने जा रहे हैं जो वियतनाम की कंपनी ने बनाई है। वियतनाम की विनफास्ट कंपनी ने भारत में अपने नए प्लांट का निर्माण शुरू कर दिया है। इसके बाद जल्द ही इसमें कारों का प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। इससे पहले भी विनफास्ट VF3 की स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी दी गई है और भी वियतनाम में इसकी बुकिंग भी शुरू की जा चुकी है। कंपनी ने दावे के अनुसार बुकिंग शुरू होने के 66 घंटे के अंदर ही इसकी 27,000 यूनिट्स बुक हो चुकी है। साइज में छोटी होने के बाद भी इसे मिनी SUV बताया जा रहा है। इसमें की बैटरी दी गई है और इसके साथ में माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर भी दी गई है जो 43.5 भप की पावर और 110 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करती है। ये 5 सेकंड में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ लेती है। इसकी बैटरी 36 मिनट में 10-70% तक चार्ज हो जाती है। कितनी है कीमत? वियतनाम में इसे कंपनी बिना बैटरी के बेच रही है, जहां इसकी कीमत 240 मिलियन वियतनामी करेंसी यानी 7.86 लाख रुपए है। भारतीय बाजार में भी कंपनी तेजी से एंट्री कर रही है, लेकिन इसके VF3 वेरिएंट की लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है। विनफास्ट VF3 प्रभावशाली रेंज। विनफास्ट VF3 को एक एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में विज्ञापित किया गया है, जो एक बार चार्ज करने पर लगभग 210 किलोमीटर की प्रभावशाली रेंज देने का वादा करता है। यह इसे वर्तमान में बाजार में लोकप्रिय MG कॉमेट EV जैसे मॉडलों के खिलाफ एक मजबूत दावेदार बनाता है। VF3 का कॉम्पैक्ट आकर्षक डिजाइन और पीले और लाल सहित जीवंत रंग विकल्प युवा पीढ़ी को पसंद आने की संभावना है। विभिन्न स्वादों और प्राथमिकताओं के अनुरूप दो रंग विकल्प भी उपलब्ध होंगे। विनफास्ट VF3 डिजाइन। VF3 एक आकर्षक दो दरवाजे वाली 4 सीटों वाली कार है, जो सामने से बॉक्स जैसी लेकिन खूबसूरत दिखती है। इसके 3,190 मिलीमीटर लंबे, 1,679 मिलीमीटर चौड़े और 1,622 मिलीमीटर ऊंचे आयाम, 2,075 मिलीमीटर के व्हीलबेस के साथ मिलकर इसे उत्कृष्ट गतिशीलता के साथ एक आदर्श सिटी कार बनाते हैं। एक मिनी SUV के रूप में VF3 1,191 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस प्रदान करता है, जो इसे विभिन्न सड़क स्थितियों से आसानी से निपटने में सक्षम बनाता है। कार के स्टाइलिश डिजाइन को इसके 16 इंच के अलॉय व्हील्स द्वारा और बढ़ाया गया है, जो इसकी समग्र अपील को बढ़ाता है। विनफास्ट VF3 चार्जिंग। VF3 एक माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर से लैस है, जो 43.5 HP और 110 Nm टॉर्क पैदा करने में सक्षम है, जो एक सुचारू और शक्तिशाली ड्राइव सुनिश्चित करता है। ये कार हाई रेट बैटरी के साथ सिंगल वेरिएंट में उपलब्ध है। VF3 की सबसे खास विशेषताओं में से एक इसके दोहरे चार्जिंग विकल्प हैं। तेज और मानक तेज चार्ज से बैटरी केवल 36 मिनट में 70% चार्ज हो सकती है, जिससे ये यात्रा करने वालों के लिए एक सुविधाजनक विकल्प बन जाता है। विनफास्ट VF3 लॉन्च। हालांकि भारत में VF3 की सटीक लॉन्च तिथि अभी तक ज्ञात नहीं है, कार की कीमत लगभग 11 लाख रुपए एक्स शोरूम होने का अनुमान है। ये कीमत इसे MG कॉमेट EV के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा में खड़ा करती है, जो लगभग 7.52 लाख रुपए की एक्स शोरूम कीमत पर उपलब्ध है। महत्वपूर्ण बात यह है कि MG कॉमेट EV ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी प्रदान करता है और अपनी बैटरी के साथ एक बार चार्ज करने पर 230 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज का दावा करता है, जो इसे इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी बनाता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।